ओ लेट्स स्टार्ट फिर से अगेन दो हाथों से। प्रस्थानम, देख लेना यार नाम मैंने सही बोला या नहीं बोला। इसके अंदर कास्ट तो बहुत ज़्यादा है, संजय दत्त है, चंकी पांडे, अली फजल, जैकी श्रॉफ। अगर किसी को पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स में मतलब कि कैसे पॉलिटिक्स होती है, अगर वो डेली अगर देखता भी है, भारत की पॉलिटिक्स देख रहा है रोज डेली, जो ये बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, इन चीज़ों के भी इन सब के अंदर हो रहा है, एसपीआई, एआईडीएमके के अंदर पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं, ये अगर आप ये देखते रहते हो तो आपको मूवी ये पसंद आ सकती है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के ऊपर ही है। और पॉलिटिक्स के अंदर कैसे इस मूवी के अंदर पूरा इनका परिवार बर्बाद हो जाता है, और एक पॉलिटिक्स कैसे एक इंसान को लालची बना देती है उस गद्दी के लिए, ये मूवी में दिखाया गया है। बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स पसंद है। अब पॉलिटिक्स जो है इसके अंदर एक अच्छी चीज़ बोलेगी कि आजकल जो पॉलिटिकल है वो गंदी होती जा रही है, तो इसमें बोला गया कि पॉलिटिक्स गंदी तब होती है जब अच्छे लोग उसके अंदर आना छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छी बात थी, सही बात है, क्योंकि आजकल जैसे कि बहुत सारे आप देखोगे अपने असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली या अपनी लोकसभा, इनके अंदर आप देखोगे तो कितने सारे ऐसे क्रिमिनल्स पहुंच जाते हैं जिनको वोट देके हम उस सीट के ऊपर उस मंत्री पद दिन उनको दिला देते हैं। तो ये ऐसा होता है कि क्योंकि इसमें अच्छे लोग आते नहीं हैं, अच्छे लोग इसलिए नहीं आते, वो ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, पॉलिटिक्स में हमें जाना नहीं चाहिए। तो अगर हमें किसी को साफ करना है, किसी गंद को साफ करना, तो उस गंद के उतर उस गंद के अंदर उतर कर हमें उसे साफ करना पड़ेगा, बाहर से वो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स है। बात करें अगर मूवी की, तो मूवी में पूरी कहानी एक पॉलिटिक्स के ऊपर है, कैसे पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से इस मूवी में, और एंड मोमेंट तक पॉलिटिक्स ही चलती रहती है। पूरी की पूरी फैमिली इसके अंदर, इस पॉलिटिक्स के अंदर मर जाती है, कोई किसी को उसके लिए मार देता है, कोई अपने धर्म के मतलब अपने बेटे को बचाने के लिए, उसके बेटे को बचाने का अपना धर्म समझता है संजय दत्त, तो इसलिए अपने बाकी जो सौतेली संतान जो है उसको मार देते हैं, मार देने की कोशिश करता है। और अपने जो करीबी दोस्त है बादशाह, जो जिसका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया, उसके पीछे पुलिस भेजता है उसको मारने के लिए। तो इस मूवी के अंदर फिर से वही चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंक्लूड करनी पड़ेंगी कि हाँ क्या चल रहा है इस मूवी के अंदर, और कैसे सिचुएशन बदलती है एक इंसान के लिए, कि कैसे वो अच्छे से बुरा बनता हुआ इसके अंदर दिखाया जाता है, सिर्फ अपने अपने बेटे के प्यार में। बहुत कुछ जो उसे करना नहीं होता, अपने मूल सिद्धांत जो उसे छोड़ने नहीं होते, वो अपने बेटे के लिए उसे छोड़ने पड़ जाते हैं। तो ये मूवी हमें वो भी चीज़ें दिखाती हैं। मुझे मूवी वाकई में अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मूवी मूवी बहुत अच्छी लगी, कैसे पॉलिटिक्स। लेकिन इसके अंदर छोटी सी मुझे जो खामी लगी वो ये है कि मूवी जो है वो लेंथ ही ज़्यादा थी। मुझे ये मूवी एक टाइम में कैसा आया जब मैं बैठा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार अब ये मूवी ख़त्म हो जानी चाहिए, अब यहाँ पे इसका शायद एंड कर देना चाहिए, लेकिन शायद स्टोरी इतनी वो थी, लंबी थी, उसको करने में इनको टाइम लग गया, शायद हो सकती थी छोटी, वो डायरेक्टर जाने। और एक डायलॉग जो इसके अंदर संजय दत्त जो है आयुष, जो है आयुष को बोलते हैं, आयुष का जो किरदार निभाया है वो है अली फजल ने, उनको ये बोलते हैं कि अगर हम किसी गुंडे से लड़ते हैं तो एक दिन हम खुद गुंडा बन जाते हैं। तो एक ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आप लोग ये मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं और जा रहे हैं मूवी देखने, तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपको देखने से पहले, तो वो ये है कि जैसे साहू के टाइम में बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि ये मूवी ऐसी है पजल कर देने वाली है, दिमाग ख़राब कर देने वाली है, इतना अगर मूवी में दिमाग लगाया होता तो पता नहीं कहाँ होते आईएएस वाईएएस कर गए होते, ऐसा कुछ एक यूट्यूबर ने बोला था, आईएएस वाईएएस नहीं बोला था, वो अपनी तरफ से मैं मसाला लगा रहा हूँ, मतलब इतना कहा था कि अगर हम इतना दिमाग इसमें लगाते तो मतलब पढ़ाई में लगाते तो हम पता नहीं क्या ही कर गए होते। तो ऐसा ही शायद वो इस मूवी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। फिर भी एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो अपने अपने माइंड को थोड़ा बोर्ड करके जाइए, मतलब कि उसे खोल के जाइए अच्छे से, कि भी ये मूवी जो है थोड़ी सी पजल आपको कर सकती है कि क्या चल रहा है इस मूवी के अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में दिमाग तो खर्च होता ही है, वैसा ही ये मूवी है, इसमें दिमाग तो खर्च हुआ ही है, आपका भी खर्च होगा इसके अंदर, इसलिए मुझे मूवी ऐसी पसंद भी आती है। मेरा थोड़ा मूवी को देखने का नज़रिया कुछ अलग ही होता है कि हाँ मैं कैसे देख रहा हूँ इस मूवी के अंदर, तो मतलब आपका मुझे पता नहीं है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मुझे तो मूवी अच्छी लगी। अगर मैं इस मूवी, खैर
इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो अपने विचार जो हैं इस दान पात्र में दान पात्र में व्यक्त कर सकते हैं। अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। हाँ, ये मूवी आप एक बार तो देख ही सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं एक बार देखने का। आप इसको झेल पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स आपको बहुत पसंद है, तो मूवी आपको बेशक पसंद आने वाली है। कैसे पॉलिटिक्स किसी इंसान को क्या कर देती है। और इसके अंदर एक डायलॉग था, वो मुझे डायलॉग बड़ा पसंद आया। पॉलिटिक्स जो है ना, वो शेर की सवारी है, अगर एक बार इससे उतरे तो जान से भी जाओगे, जिंदगी मतलब करियर से भी तो जाओगे जाओगे, साथ में जान से भी जाओगे। कई काफ़ी सारे इसमें करियर के भी रिलेटेड एक चीज़ था कि भी हाँ, उसका करियर तो आपने सेट कर दिया पॉलिटिक्स में भेज कर, तो पॉलिटिक्स को एक करियर के तौर में भी इसमें दिखाया गया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए करियर के तौर पे। लेकिन काफ़ी सारे आजकल जो युवा हैं वो इसको एक एज ए करियर ही मानते हैं, क्योंकि इसमें करियर बन जाएगा, वो एक अच्छे लेवल पहुंच जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जाके इसको सुधार कर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये ऐसे पॉलिटिक्स में आगे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।